ड्रामा देखकर लोगों ने डीपी अर्तगल की लगाई है, अपने करतूत जैसे किसी पाकिस्तानी सियासतदान की तरह हो। अल्लाह का शुक्र है कि एटम बम अच्छे वक्तों में बना लिया था, वरना इसके लिए भी बॉम्ब लीक कर 8000 पर मैसेज करना पड़ना था। तुर्क बादशाह बाजार में भेस बदलकर रियाया का हाल पूछ रहा था कि एक खूबसूरत बच्चे को देखकर उसे एक अशरफी तोहफे में दी। लड़के ने ये कहकर वापस कर दी कि अम्मा मारेंगी, ये चोरी की है। तुम कहना कि बादशाह ने दी है, फिर तो और भी मारेंगी कि बादशाह ने दी है और एक अशरफी सिर्फ। बादशाह ने पूरी थैली दे दी और वो जहीन बच्चा शेखों का था। भाई आजकल इंजीनियरिंग का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, घर बैठकर बीवियां इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का टेस्ट ले रही हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का है। घर के पुराने सामान जैसे मिक्सर, जूसर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन वगैरह ठीक ना कर पाने पर इनकी डिग्री दाव पर लग गई है। सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी ब्रांच वाले घर में झाड़ू पोछा लगाकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। टेंशन के झटके क्या होते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई, आप इसे अस्पताल ले गए, डॉक्टर बोला आप बाप बनने वाले हैं, टेंशन। आप बोले मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, लड़की बोली यही बाप है, फिर टेंशन। फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पर जो 3 बच्चे हैं वो, फिर टेंशन।